ऑडिटोरियम में थोड़ा लाइट रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम अंधेरे में कुछ कर नहीं सकते, उजाले वाले लोग हैं। वेरी गुड, हाँ ये जरा अच्छा रहता है। हाँ अभी हम लोग ठीक दिख रहे हैं आपको, वैसे ठीक ही है हम। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ये प्रोग्राम के बारे में दो तीन चीज़ें पहले बताते हैं फिर शुरू करते हैं। जनरली हम गांव-गांव में जाते हैं और कार्यक्रम करते हैं, और हमारा कार्यक्रम ज़्यादा करके मराठी में रहता है। अभी हमारा हिंदी भी आएला गएला है, तो इतना अच्छा तो नहीं है, एंड हमारा इंग्लिश तो एस बॉस खंटो है। तो बोलेगा तो इंग्लिश भी ठीक नहीं है, लेकिन हमारा दिल बहुत ठीक है। तो हम दिल की बातें करने वाले हैं। तो गांव में जाते तो जनरली लोग बीच में पैसा देते हैं, तो हम उनको बोलते हैं भाई हम पैसे के लिए गाने वाले लोग नहीं हैं, हम इंसान के लिए गाने वाले लोग हैं, तो वो पैसा हम लेते नहीं। फिर जो इंटरटेनमेंट के लिए जो लोग आते हैं उनको भी हम लोग निकाल देते हैं। और दो घंटे का प्रोग्राम, आज तो डेढ़ घंटे का प्रोग्राम है, अभी बीच में कुछ एक भाषण होने वाला है ना बाद में, तो डेढ़ घंटे में हमको कार्यक्रम करना है। तो हम क्यों डेढ़ घंटा का, दो घंटे का कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि हमको एक ध्यान में आया कि किसी भी इंसान एक डेढ़ दो घंटा तक है ना सुनता है, और उसके बाद में कुछ भी बताओ उसका इंटरटेनमेंट करता है, और तो ये इंटरटेनमेंट हमको नहीं करने का है। इसके लिए दो घंटे के पहला ही कार्यक्रम ये ख़त्म होगा। आप सभी लोग जितने भी लोग आए हैं ये हमारे लिए बहुत बड़े लोग हैं, और तादाद बहुत बड़ी है ऐसा समझते हैं। हम हमारे प्रोग्राम की शुरुआत हमारे जो बहुत ही रिवोल्यूशनरी देशभक्त और अपने देश के लिए जान देने वाले भगत सिंह से शुरू करते हैं। हम भगत सिंह के याद करते हैं और उसका एक गाना जो है वो आपके सामने पेश करते हैं। दोज हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, सो वी विल स्टार्ट दिस आवर प्रोग्राम विद सलाम टू भगत सिंह, सैल्यूट टू भगत सिंह। भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में, भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में, भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में, भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में, हर एक लहू के कतरे में, इंकलाब के नारे में, एक लहू के कतरे में, इंकलाब के नारे लहू के कतरे में, इंकलाब के नारे में, इंकलाब के नारे में, भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में, भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में, नहीं धोखा है, आजादी नहीं धोखा है, पूरी मुक्ति नहीं है यारों, गोरों के संग सौदा है, गोरों
के संग सौदा है, गोरों के संग सौदा है। झूठी जश्न की रौनक में फंसे हुए किसानों में, फंसे हुए किसानों में, फंसे हुए किसानों में। झूठी जश्न की रौनक में फंसे हुए किसानों में, रोए हुए जवानों में। भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में। भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में। इतिहास में भी हम भूखे थे और आज बिठो कर खाते हैं, आज बिठो कर खाते हैं, आज बिठो कर खाते हैं। कोई राम नाम बलहार पुकारे, आज भी जाने लेते हैं, आज भी जाने लेते हैं, आज भी जाने लेते हैं। अब याद है भगता तेरी आती, अब याद है भगता तेरी आती, आग लगी है सीने में। भगत सिंह तू जिंदा है, हर लहू के कतरे में। भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में। हर एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में। एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में। एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में। इनकलाब के नारे में। भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू भगत सिंह को याद करते हैं। वो इसलिए कि जिन्होंने अपने देश के लिए फांसी का तख्ता अपनाया, डरे नहीं, जेल में गए, फांसी का तख्ता अपनाया और ये आज़ादी हमको दी। ये आज़ादी देने के बाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश के लिए संविधान बनाया और संविधान के मुताबिक ये देश चलना चाहिए करके बोला। लेकिन ये पॉलिटिकल फ्रीडम तो मिला था, लेकिन सोशल कल्चरल फ्रीडम तो नहीं मिला। तो बाबा साहब ने जब संविधान दे रहे थे, सो वाइल ही वॉज यू नो गिविंग कॉन्स्टिट्यूशन टू दिस कंट्री, 25th of November ही हैव डिलीवर्ड वर वेरी इंटरेस्टिंग स्पीच, एंड इन दैट स्पीच यू कैन गो एंड रीड दैट थिंग। ही क्लियरली सेड कि भाई पॉलिटिकल फ्रीडम तो मिल गया है, लेकिन सोशल और इकोनॉमिकल फ्रीडम अगर नहीं मिलेगा तो ये देश का आगे जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, और ये आज हो गया है। हम लोग कल्चर के साथ में जुड़ित लोग हैं, हमको कल्चरल प्रॉब्लम बहुत तरीके से दिख रहा है। यू पीपल आर इंटेलेक्चुअल पीपल एंड आई शुड नॉट एक्सप्लेन मोर थिंग्स टू यू, यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी इजीली। आप देखिए, आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आप IIT में आए, बोलेगा तो IIT में कोई भी नहीं आ सकता, ऐसे ही कोई उठ का उठा छूटा नींद से उठा और IIT में नहीं आता। IIT में आने वाले लोग तो बड़ा सोचने वाले लोग हैं भाई। तो अभी हमारे जो ग्रुप वाले मेंबर जो बोल रहे थे, यार अपन तो डबल ग्रेजुएट ट्रिपल ग्रेजुएट ठीक है यार, लेकिन ये IIT के सामने प्रोग्राम करने का बड़ा टेंशन है, क्योंकि ये लोग तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। लेकिन आपने जितने भी बुक्स पढ़े हैं, आपने उसमें जो कविता पढ़ी होंगी वो किसके बारे में कविता है, आपने जो साहित्यिक पढ़े होंगे वो क्या लिख रहे हैं। तो हमारा एक वी हैव आवर पॉलिसी, विदाउट पॉलिसी वी कैनॉट सर्वाइव। तो हमारा एक भूमिका है, ये भूमिका इस गाने से मराठी में गाना है कि भाई किसके ये कल्चर के जो ठेकेदार है, ये कौन लोग है और ये किसके लिए लिख रहे हैं और कौन है ये, मतलब सिनेमा ये मतलब एस्थेटिक क्या चीज़ है, ये एक गाने के बारे में। क्योंकि बम्बई में एक बार ये बहुत बड़ा लिटरेरी फंक्शन हुआ था और वो शिवाजी पार्क में हुआ था,
अभी हमारी वो बेटी उधर बैठी है, उसको मालूम है कि वो शिवाजी पार्क में हुआ था। और हम लोगों ने धारावी, आपको मालूम है, हाउ मेनी पीपल नो धारावी, आई एवरीबडी नो, अरे चलो तो हम ये धारावी का है तो उधर हम लोगों ने साहित्य सम्मेलन लिया, तभी बोले कि यू राइट ए पॉलिसी मैटर फॉर दिस लिटरेरी फंक्शन। सो आई टोल्ड देम कि अरे माई पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड वॉट आई एम राइटिंग, I must go through song. So I have written one song and that become a policy matter of our organization. And this is the song. This is in Marathi. Ki who is literary person and what they are doing, what exactly they are writing. Wo likha tha ki palki che bhoi ami palki che bhoi. Matlab jo palki dhone wale samanton ki hum hain aur andar kaun baitha hai uska humko len den nahi. Aisa bola tha wo. Hum bola no no no. We will not carry anybody's palki. That days have gone. अभी नहीं जमेगा, तो कौन है ये लोग इसके बारे में गाना है। मराठी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। विशाची जिथे लावली रोपटी त्या गावातले दूध प्यारे कसे, विशाची जिथे लावली रोपटी त्या गावातले दूध प्यावे कसे, मुबारक तुला बेईमानी तुझी पंगतीला तुझा मी पसावे कसे, हवे तर तुला पाळना तू बदल अरभकाचे मी आकार बदलू कसे, बदलू कसे अरभकाचे मी आकार बदलू कसे। चार, अरे पालखीचे भोई, अरे पालखीचे भोई, अरे यांना आईची वळक नाही, पालखीचे भोई यांना आईची वळक नाही, हे पालखीचे भोई यांना आईची वळक नाही, हे पालखीचे भोई। ओ जिथ जिंदगी जागते, ओ जिथ जिंदगी जागते, यांची लेखनी पुकत नाही, हे पालखीचे भोई यांना आईची वळख नाही, हे पालखीचे भोई यांना आईची वळख नाही, हे पालखीचे भोई। राजकवी कवी लाज रवी उजड तुझा काय सांगू, उजड तुझा काय सांगू, उजड तुझा काय सांगू, अरे राजपिंडे तुझे तांडे तोरा तुझा काय सांगू, तोरा तुझा काय सांगू, तोरा तुझा काय सांगू, अरे अंगी वस्त्र मुख्य अस्त्र जादू त्याची काय सांगू, जादू त्याची काय सांगू, जादू त्याची काय सांगू। ओ ग्रेट राइटर्स ऑफ दिस कंट्री, the great intellectuals and thinkers, your clothes are not made in heaven, there are peasantry, they look after crops, they bring cottons, the cotton goes to textile mill, there are many people though who do all this process, and then you get this kapda, lekin inke bare mein ek line nahi likhta hai, ये राइटर लोग इनके बारे में एक लाइन नहीं दिखता है। गाना क्या लिख रहे, गाना लिख रहे मराठी में, रानात सांग कानात आपुले नाते मी भल्या पहाटे येते, कम इन टू द वूड एंड से इन माय एयर व्हाट इज आवर रिलेशनशिप, दैट इज अ ट्रांसलेशन, रफ ट्रांसलेशन। अरे भाई रान में जाने का तो कान में काई को बोलने का, लेकिन जिनको मालूम नहीं है ये मूंगफली जो है ना, ये मूंगफली जमीन के अंदर आता है क्या पेड़ को लगता है, ये जिनको मालूम नहीं है उन्होंने हमारे ऊपर सांस्कृतिक राज्य किया है, और इसलिए हम लोग गाना गा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नॉट मेयरली इंटरटेनमेंट, वी आर नॉट हियर टू इंटरटेन यू, वी आर हियर टू डिस्टर्ब यू। बहुत देर से मालूम पड़ा है, अब
after long, long time, Dr. Ambedkar have given us something. And that's why we are asking question. Chal! Chachal! अरे राज कबीर राज रवि उजड़ तुझा काय सांगू उजड़ तुझा काय सांगू उजड़ तुझा काय सांगू चल अरे राज बिंड तुझे पांडे तोरा तुझा काय सांगू तोरा तुझा काय सांगू तोरा तुझा काय सांगू अंगी वस्त्र मुख्य अस्त्र जादू त्याची काय सांगू जादू त्याची काय सांगू जादू त्याची काय सांगू देयर आर ग्रेट सिंगर्स इन दिस कंट्री I will not say, I will not tell you names. अरे वो सब जानने वाले लोग हैं, इतने बड़े बड़े गायिका कान कोकिला और ये सारी चीजें हैं, बहुत बड़े बड़े गायक हैं, और क्या गाना क्या गा रही है सारी बड़ी बड़ी गायिका इकट्ठा के गाना क्या गा रही है मागे उभा मंगेश मुझे पीछे खड़ा मंगेश आगे भी खड़ा मंगेश अरे भाई आगे मंगेश है पीछे मंगेश है हम किधर खड़े हैं अरे भाई हमारा कोई गाना गाओ हमारा गाना कभी उन्होंने गाया नहीं वो गाना गाया रूलिंग क्लास का वो गाना ऊपरी क्लास के कास्ट की गाने गा रहे हजारों साल से यही चल रहा है और अभी भी वही चल रहा है और इसलिए हम लोग गाना गा रहे हैं वी आर नॉट फंटर सिंगर्स यू पीपल कैन अंडरस्टैंड दोज हु आर यू नो स्टडिंग म्यूजिक वी आर नॉट फंटर सिंगर्स We may not be very good, you know, performers, but we have Ambedkar, we have Phule, and we have Bhagat Singh. We have understanding, and that's why the war of this culture, we are going to win, not now, but tomorrow, definitely we are going to win, and that's why we are singing. Chal! कामिनी गजगामिनी दिसकामिनी गजगामिनी ये राइटिंग में आप लोगों ने ये आर्ट्स के कितने बच्चे हैं आर्ट्स पढ़े हुए अरे बहुत सारे बच्चे इधर आर्ट्स के कैसे आ गए साइंस वाले आते नहीं इधर तो मैं पहला नावल बहुत पढ़ता था और कॉलेज में भी जाता था तभी नावल पढ़ता वो पूरा मराठी में नावल क्या बताओ पांडे साहब बहुत खतरनाक नावल डेढ़ डेढ़ पेज में औरत के नाक का वर्णन होता है उसका नाक का ही वर्णन डेढ़ पेज मैं थक गया मैं बोला यार इसको माँ बहन है कि नहीं ये क्या है उसका उसका तपस्या मांगता है उसको चेक करना मांगता है उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना पड़ेगा इतना ऑब्सेशन औरत के बारे में तो मैंने वो पढ़ा मैं बोला बस हो गया भाई यूनिवर्सिटी जय भीम जय बुद्ध जय भारत अरे बहुत खतरनाक है वो लोग वो क्या लिख रहे हैं उसको What is aesthetic? What is aesthetic? See, aesthetic, you people can understand, you are intellectual people. We must have our own aesthetic. Otherwise, there is going to be many problems in this country. You will say the economy is the base. You will say the culture is base. Oh, yes, but I am saying aesthetic must have our own aesthetic. Without aesthetic, we just cannot develop something. There are scientists, some scientists. They should also have aesthetic. Without aesthetic, there is no science. So aesthetic, kya hai unka? ये अमिताभ बच्चन का वो क्या बोल क्या इन लॉ वो डॉक्टर इन लॉ क्या है वो क्या नाम भूल गया मैं बहू क्या नाम है उसका वो जान दो तो वो दुनिया का सबसे बड़ा सुंदर लड़की है करके बोला मेरे को कि वो बहुत चिकना है वो सुंदर है तो मैं बोला यार क्या देखने दो मैं तो वो सब देखता नहीं तो पेपर में आया तो बोले दादा देखो ये दुनिया का सबसे बड़ा सुंदर मैंने देखा है मैं बोला ये क्या है किसको सुंदर बोलने का गोरा रंग है उसको सुंदर बोलने का मैं बोला यार इस देश तो पूरा आप तो जानते हैं ये पूरा उष्णकटिबंध है ना तो इधर तो काला लोग ही जन्म ले सकता है नेचुरली अभी मैं थोड़ा गोरा है तो ये गोरा जो है अभी पहले 5-6 पीढ़ी में अभी इधर भी कुछ व्हाइट लोग है लेकिन वो व्हाइट है हमारे लोग थोड़ा गोरा होते तो हमको व्हाइट बोलते खुद को अमेरिका में जाके वो ठापाठप गोली खाता है अमेरिका में जाके गोली खाता है उधर काला है ब्राउन है लेकिन हमारे देश में जो गोरा है मैं थोड़ा गोरा है तो मेरे पहले 5-6 जनरेशन में कुछ गड़बड़ है मेरे को कुछ लगता नहीं आई एम हाइब्रिड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम
आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. लेकिन शादी के लिए वो जाते हैं, अभी ये बेटी या बेटी है, अभी आप तो पढ़े लिखे हैं तो आपको तो कुछ बताने का जरूरत नहीं, लेकिन हमारे देहात की जो मेरी बेटियां हैं बहनें हैं उन लोगों को वो शादी के टाइम में वो ऐसा वैसा करके वो उसको खड़ा करता है और उसको देख को बोलते हैं. लड़की देखने का जो प्रोग्राम होता है, अभी आजकल मैं थोड़ा अच्छा मेरी परिस्थिति हो गई तो वो लड़की देखने का प्रोग्राम में मेरे को कभी कभी लेके जाते हैं. वो आते ना लोग अपने बस्ती के, मैं जाता उस दिन गया था, लड़का ऐसा ही था, नाक भी कितना कुछ अच्छा नहीं, ऐसा ही काला. तो वो देखा वो लड़की और तो टोटल लड़की ऐसा वैसा, तो बोल रहा है, मैं बोला कैसा जमता है क्या, देख. बोले दादा थोड़ा काला है. अरे मैं बोला तेरे ऊपर क्या उजड़ पड़ा है रे बाबा, तेरा मुंह देखना, मैं बोला. और वो क्या बाजार में क्या हो, दिस इज एस्थेटिक. यू आर लाफिंग बट दिस एस्थेटिक क्रिएट्स मेनी प्रॉब्लम, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स. सो वी आर सेइंग वी आर ब्लैक एंड वी आर प्राउड अबाउट दैट थिंग. 3.5% लोग जो है गोरा है, बाकी का सब काला है इस देश में. और काले लोगों का राज होना चाहिए लेकिन गोरा लोगों का राज है. उसका एक हिस्टोरिकल कारण है, उसके अंदर मैं नहीं जाता हूँ. वो हिस्टोरिकली जो आए ना लोग, आप चेक करो ना, जिन्होंने आपके ऊपर राज किया है ना, वो सब पूरे गोरे हैं. आर्य बाहर से आए कि अंदर से आए वो छोड़ो, लेकिन गोरा है. हुन है, शक है, वो बाहर से आए वो गोरा है. वो तुर्क है, पुर्तगीज है, गोरा है. ब्रिटिश है, वो गोरा है. अभी मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक सब गोरा है. और आप इसके लिए गोरा गोरा के नाद में लग गए ले. तो मुझे लगता है कि ये वी हैव टू इवॉल्व न्यू एस्थेटिक. विदाउट डूइंग दैट थिंग देर इज नो वे. दैट्स वाई वी आर परफॉर्मिंग. दिस इज नॉट मेयरली एंटरटेनमेंट एंड वी आर नॉट हियर टू सिंग अ सॉन्ग. वी आर हियर टू सिंग अ थॉट. वी आर नॉट मेयरली सिंगर्स. चल चंद्रदेव इंद्र, तिसे चंद्रदेव इंद्र. आमची वस्ती नाही लिवली, आमची वस्ती नाही लिवली, आमची वस्ती नाही लिवली. तिस कामिनी, तिस कामिनी, गजगामिनी, तिस कामिनी, गजगामिनी. अरे राप्ती माय नाही लिवली, राप्ती माय नाही लिवली, राप्ती माय नाही लिवली. तिसे पान हिरवे रान, तिसे पान हिरवे रान. अरे जळती ऊन नाही लिवली, जळती ऊन नाही लिवली, जळती ऊन नाही लिवली. तू रंगवली दुनिया, तू रंगवली दुनिया, तो आमचा रंग नाही. हे पालखीचे भोय यांना आईची ओळख नाही, हे पालखीचे भोय यांना आईची ओळख नाही, हे पालखीचे भोय. जिंदगी जागते यांची लेखनी पुटत नाही, हे पालखीचे भोय यांना आईची ओळख 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 नाही, हे पालखीचे भोय. भारत हमारी माँ है, लेकिन बार बार कह रहे कि आप भारत माता कहो, भारत माता कहो. ये कौन लोग है मुझे समझ में नहीं आता. अरे भाई हमने खेती की है, हमने ही मिट्टी को 5,000 साल से, 10,000 साल से, जितने साल से देश है हम लोग मिट्टी में है. अब तुम इधर आके हमको बोलता है तुम भारत माता के जय, जिनका मिट्टी के साथ में कुछ संबंध नहीं वो बोलते हैं भारत माता के जय बोलो. अरे हम लोग इधर मिट्टी के अंदर के लोग है, तुम हमको काई को दम दे रहे है, हमको काई को टेंशन दे रहे है. उनको डाउट है भारत माता की जय बोलो तो अपना प्यार है क्या नहीं. अरे भाई तुम्हारा प्यार है तो तुम तुम्हारा सिद्ध करो. हम तो ये किस देश में काम कर रहे हैं, पूरे मिट्टी का काम हम कर रहे हैं. अरे भाई हल जोत रहे हैं हम, चमड़ा जमा कर रहे हैं हम, कपड़ा बना रहे हैं हम, दुनिया भर का काम कर रहे हैं. और बार बार में आके बोलते बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय. उनको ही डाउट है उनके ऊपर, उनको खुद को डाउट है अपना है क्या नहीं. ज्यादा ये लड़कियां इधर बैठी है ना, वो मेरी बेटी जैसे एक आध लड़का ज्यादा लव यू बोला ना तो डाउट करना डाउट करना जरा टेंशन वाला दिखता. ज्यादा लव यू बोलता है कि हाय डार्लिंग, लव यू डार्लिंग, डार्लिंग विदाउट यू आई जस्ट कैन नॉट लिव. ये लिव कर सकता है. वैसे ये चल रहा है ना झंझट.
ये मेरे को डाउटफुल है अभी, ये जर्स अभी ये मेरी बेटी जैसे है तो इसके लिए बताया, बाकी दूसरा कोई कारण नहीं है। लड़का लोग जरा संभालो। अभी ये भारत माता को बेचने वाले भी लोग वही है, जो लोग बहुत भारत माता करते ना, वो बेचते वाले भी वही है। तो ये मट्टी से गाना कैसा आता है कि अभी कुछ प्रोजेक्ट बन रहे हैं, अभी आपको तो दोज हु आर इकोनॉमिक स्टूडेंट्स दे शुड अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट यू नो गिविंग इंट्रोडक्शन टू न्यू इकोनॉमिक्स। दिस कंट्री इज गोइंग टू बी इन ए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। द कैरिडोर्स, डिफरेंट 4-5 कैरिडोर्स आर नाउ गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस इन दिस कंट्री, दैट इज बॉम्बे दिल्ली कैरिडोर, चेन्नई बैंगलोर कैरिडोर, कलकत्ता समथिंग समथिंग, देयर आर 5 कैरिडोर्स एंड दैट कैरिडोर्स आर एक्चुअली प्रोडक्शन के लिए जगह ले रहे हैं। होल इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी बिल्ड ओवर हियर एंड दे आर जस्ट डिस्प्लेसिंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ द मासेस ऑफ दिस कंट्री। दे आर जस्ट यू नो सैकिंग पीपल फ्रॉम द जंगल्स, सैकिंग पीपल फ्रॉम द विलेजेस एंड इट इज हैपनिंग वेरी, मतलब द तरीका इज वेरी डिफरेंट। अभी जमीन बहुत, आप भाई आप किधर से मालूम नहीं मुझे, लेकिन महाराष्ट्र में तो पूरा देहातों में रिलायंस ने जमीन ले लिया है, पूरा जमीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ले रहे और बहुत कौड़ी मोल के इधर ले रहे। तो वो लोग पूछ रहे कि हम गांव छोड़ के कैसा जाए, गांव छोड़ते समय जो दुख है और जो हम छोड़ने वाले नहीं गांव को, हम मिट्टी को छोड़ने वाले नहीं, ऐसा ही गाना है। ये इंट्रोड्यूस करता हूँ मेरे ट्रूप को, आजा शिरीष, ये शिरीष है, शिरीष पवार, ये रेडियो जॉकी है, ये MBA है, इसका खुद का कंपनी है, हम लोग ऐसा वैसा नहीं है। इसका खुद का कंपनी है, हम लोग ये जो चैनल अभी चला रहे हैं ऑर्बिट, वो सब पूरा काम वो देखता है, दी ऑर्बिट्स नाम का चैनल हम लोग चलाते हैं। हम लोग अभी सोचा है ये डब्बा, हम लोग ये डब्बा बजाने वाले लोग हैं, लेकिन हम लोग अभी कंप्यूटर फंप्यूटर में भी जाके हमारा काम कर रहे हैं, कार्यक्रम हमारे बाबा साहब के लिए करने वाले हैं, हम डेफिनेटली करने वाले। तो ये काम करता है, इसका खुद का कंपनी है और ये पूरा जो नेट का ये बहुत जानकारी है। तो और ये अच्छा गायक है, इसका खुद का ट्रूप भी है, भीमा स्पंदन करके अच्छा गाता है। हाँ तो ये गाएगा। दूसरा एक बहुत बड़ा गायक है, अभी आपने उसका आवाज़ तो सुना है, ये प्रवीण ढोने, ये महाराष्ट्र में टीवी में और बाकी सब सिनेमा में गाना भी गाता है, और अब ये जब भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं ये जागृति का वो आता है, और ये अरेंजर है, मैं तो आड़ा टेढ़ा म्यूजिक करता हूँ, ये सीधा करता है, अरेंज करता है। ये बाबा साहब है, ये जैसे कि हमारे संगठन के नेता है, सब संगठन को नेता चाहिए तो हमारा भी एक नेता है, लेकिन वो सबका सुनता है। तो ये सब पूरा हमारे जो ट्रूप्स है का सब सबका ध्यान रखना, ख्याल रखना, ये काम करता है। ये बच्चा है, ये मेरे एक दोस्त है लोखंडे, संदीप लोखंडे, इनका बच्चा है, तो वो 20 साल मेरे साथ बजा रहे, तो अभी वो शिवाजी अंडरग्राउंड करके एक मेरा नाटक है उसके साथ में बजाते, तो ये बच्चा दिया अभी उन्होंने, मतलब ये हमारी परंपरा है कि चलो हम गया तो हमारा बच्चा, तो ये 19 साल का बच्चा है लेकिन बहुत अच्छा बजाता है, बहुत अच्छा बजाता है। ये बाजू में है वो 10-12 साल से मेरे साथ में है, इसका नाम है, अभी वो ढोलक बजाता है और ये ड्रम्स बहुत अच्छा बजाता है, ड्रम्स में बहुत उसका है, ये गौतम सोधावने है। और ये साइड में जो है ये हारमोनियम नहीं तो कीबोर्ड भी बजाता है, लेकिन हमारे कार्यक्रम की जो रिक्वायरमेंट है हारमोनियम, ये बम्बई में जो 10-12 जो हारमोनियम के नाम लिए जाते हैं उसके अंदर ये विशाल पार्दे का नाम लिया जाता है, इसका नाम है विशाल। अभी शिरीष एक गाना गाएगा। हेलो, गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, गाँव छोड़ब नहीं,
जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बांध बनाए, गांव डुबोए, कारखाना बनाए, जंगल काटे, खदान खोदे, सेंचुरी बनाए। गांव बनाए, गांव डुबोए, कारखाना बनाए, जंगल काटे, खदान खोदे, सेंचुरी बनाए। जल जंगल जमीन छोड़ी न हमिन कहा कहा जाए, कि काश की भगवान बता हम कैसे जान बचाए, हम कैसे जान बचाए, हम कैसे जान बचाए। गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। जमुना सुखी, नर्मदा सुखी, सुखी सुवर्ण रेखा, गंगा बनी गंदी नाली, कृष्णा काली रेखा। जमुना सुखी, नर्मदा सुखी, सुखी सुवर्ण रेखा, गंगा बनी गंदी नाली, कृष्णा काली रेखा। और तुम पियोगे पेप्सी कोला, बिस्लेरी का पानी, हम कैसे अपनी प्यास बुझाए, पीकर कचड़ा पानी, पीकर कचड़ा पानी, पीकर कचड़ा पानी। गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, 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 माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। ये देश के कुछ चीज़ों के बारे में बताया, अब एक्चुअली इस देश क्या है इसके बारे में गाना है। अभी सब गाने हिंदी है, अभी कोई टेंशन नहीं, मतलब एक मराठी गाना बीच में गाया, लेकिन वो ज़रूरत था इसके लिए गाया। अभी ये गाना लिखा है बहुत पहले, और ये मेरे दोस्त आंध्रा के जो गदर है, इन्होंने और हमने और विलास ने, हम तीनों ने बैठ के बहुत खराब परिस्थिति में लिखा था। अभी बताने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत बेकार परिस्थिति में अंडरग्राउंड में थे, तभी यह लिखा हुआ गाना है, और इसके बाद में फिर दूसरा गाना मैंने लिखा हुआ है। तो ये देश क्या है इसके बारे में गाना। अरे भारत अपनी महान भूमि, अरे उसकी कहानी सुनो रे भाई, उसकी कहानी सुनो रे भाई, उसकी कहानी सुनो रे भाई। भारत अपनी महान भूमि, उसकी कहानी सुनो रे भाई, उसकी कहानी सुनो रे भाई, उसकी कहानी सुनो रे भाई। सर पे खड़ा है बड़ा हिमालय, नदियाँ बहती गंगा जमुना, ब्रह्मपुत्र गोदावरी कृष्ण, खदान जंगल पहाड़ होना, हरी भरी अपनी धरती पे उगले मोती निकले सोना, उगले मोती निकले सोना, उगले मोती निकले सोना। अनाज से भंडार भरा है, चीजों से बाजार भरा है, पर घर में मेहमान आया तो साथ उसी के भूखा सोना, साथ उसी के भूखा सोना, साथ उसी के भूखा सोना। अरे 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 अरे, अरे सुजलम सुपलम इसी देश में, रोटी महंगी क्यों रे भाई, रोटी महंगी क्यों रे भाई, रोटी महंगी क्यों रे भाई। सुजलम सुपलम इसी देश में, रोटी महंगी क्यों रे भाई, रोटी महंगी क्यों रे भाई, रोटी महंगी क्यों रे भाई। अरे यहाँ गाय की होती पूजा, अभी तो गोरक्षक बहुत है, यहाँ गाय की होती पूजा, बिल्ली को चूल्हे तक आजा, कुत्तों को घर का दरवाजा, पवित्र समझे गोमूत्रों को, गोबर से आंगन को सजाता, गोबर से आंगन को सजाता, गोबर से आंगन को सजाता। अरे बनाए मानव चप्पल जूता, गाय चराता भैंस चराता, धार निकाले गाय भैंस की, दूध निकाले पीने देता, दूध निकाले पीने देता, दूध निकाले पीने देता। चल, अरे कोई पिता
जाता और अखाड़ा जाता, हिंद केसरी भी कहलाता, हिंद केसरी भी कहलाता, हिंद केसरी भी कहलाता। अरे मानव को जो ऊंचा उठाए, मानव को जो ऊंचा उठाए वो अछूत कैसा रे भाई, वो अछूत कैसा रे भाई, वो अछूत कैसा रे भाई। मानव को जो ऊंचा उठाए वो अछूत कैसा रे भाई, वो अछूत कैसा रे भाई, वो अछूत कैसा रे भाई। यहाँ किनारी चल 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 चल, अरे यहाँ किनारी बनी देवता। शब्द समझ में आ रहा है? शब्द शब्द क्लियर है क्या? यहाँ किनारी बनी देवता, यहाँ किनारी बनी देवता, सती सावित्री राम की सीता, रानी चन्नमा हिम्मत वाली, रानी लक्ष्मी झांसी वाली। अरे कोई कहेगा दिल्ली वाली, कोई कहेगा दिल्ली वाली, कोई कहेगा दिल्ली वाली। अरे इंदिरा के इस धर्म भूमि पे, इंदिरा के इस धर्म भूमि पे नारी पे क्या क्या ना गुजरी, नारी पे क्या क्या ना गुजरी, नारी पे क्या क्या ना गुजरी। अरे बच्चों के रोटी के वास्ते, बच्चों के रोटी के वास्ते शरीर बेचे क्यों रे भाई, शरीर बेचे क्यों रे भाई, शरीर बेचे क्यों रे भाई। अरे बच्चों के रोटी के वास्ते तन को बेचे क्यों रे भाई, तन को बेचे क्यों रे भाई, तन को बेचे क्यों रे भाई। ऐसे अपने धर्म भूमि के, ऐसे अपने कर्म भूमि के नेता देखो कैसे कैसे। अब सबका नाम नहीं लूंगा, आप सबको जानते हैं। ये साले सब सफेद हाथी, गुंडा मवाली इनके साथी, हम गरीबों की क्या जानेंगे, जिसने कभी ना मेहनत देखी, जिसने कभी ना मेहनत देखी, जिसने कभी ना मेहनत देखी। अरे शेर हिरन को मार ही देगा, कसाई बकरा क्यों छोड़ेगा, लीडर लीडर शेर कसाई, हम बकरों को क्या छोड़ेगा, हम बकरों को क्या छोड़ेगा, हम बकरों को क्या छोड़ेगा। रा 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 रा। हा, हा। समझ में आया क्या? ये गाना इधर ही रुका था। अरे छुपा हुआ शैतान मिलेगा, अरे छुपा हुआ शैतान मिलेगा इनके टोपी मेरे भाई, इनके टोपी मेरे भाई, इनके टोपी मेरे भाई। छुपा हुआ शैतान मिलेगा इनके जैकेट में। कौन चला रहा है संसद? कौन है ये लोग? कौन है? बोलते हैं कि भाई हम चुन के दे रहे हैं। अभी चुनाव का चक्कर तो आप जानते हैं, चुनाव क्या है और कौन रूल कर रहा है दिस कंट्री को, हु इज रूलिंग दिस कंट्री, इसके बारे में गाना है। अभी आप पॉलिटिकल साइंस के लोग होंगे, कोई आपको मालूम है क्या पॉलिटिक्स है, लेकिन बाकी लोग तो पॉलिटिकल साइंस वाले नहीं, बाकी लोग बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे। तो ये गाना जो है, मुझे कभी लगता है जगदीश जी कि ये गाना मर जाना चाहिए। अभी किसी भी आर्टिस्ट को लगता नहीं कि खुद का गाना मरना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये गाना मर जाना चाहिए, लेकिन मरता नहीं क्योंकि परिस्थिति बदलती नहीं। मुझे ये गाना नहीं है, लेकिन परिस्थिति इतनी भयावह है इसके लिए गाना पड़ रहा है, क्योंकि परिस्थिति बदलनी चाहिए। और हु इज रूलिंग अस, व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस आर रूलिंग दिस कंट्री एंड हाउ दे आर रूलिंग, सो दिस होल सॉन्ग इज अबाउट दैट। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग विद इन, बीच बीच में कुछ बात करूंगा तो ट्राई टू बेयर मी। ओके, कौन है ये लोग? ये हिटलर के साथी, जनाजो के बराती, ये हिटलर के साथी, जनाजो के बराती, पूछते नहीं इंसा को कौन है तू, पूछते हैं धर्म और जाति। अरे इनकी सूरत को पहचानो भाई, ओए इनकी सूरत को पहचानो भाई,
इनसे संभल के रहना रे भाई, इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई, इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। ये गलती करोगे आहे भरोगे, गलती करोगे आहे भरोगे, जालिम का जमाना जहरीला भाई, चोर चिटर बैठे है भाई, यहाँ नहीं, यहाँ बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, आईआईटी के बच्चे बैठे हैं, चोर चिटर बैठे हैं भाई, बड़े सेटर बैठे हैं भाई, चोर चिटर बैठे हैं भाई, बड़े सेटर बैठे हैं भाई, चोर चिटर बैठे हैं भाई, बड़े सेटर बैठे हैं भाई, कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई, भाई लोग कहाँ बैठे हैं? अरे दिल्ली का नाम आहिस्ते आहिस्ते क्यों ले रहे हो? दिल्ली की तरफ जाना है भाई, कुछ दिल्ली में बैठे है भाई, कहाँ बैठे है? कुछ दिल्ली में बैठे है भाई, और कुछ बंबई में बैठे है भाई, कुछ दिल्ली में बैठे है भाई, कुछ बंबई में बैठे है भाई, कुछ दिल्ली में बैठे है भाई, कुछ बंबई में बैठे है भाई, रा 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 रा। बाते राम की चेली है भाई, ठाकुर और चोर, जिस नाम से ध्रुव प्रहलाद तरे वो नाम ही कुछ और, बाते राम की चली, चल चल चल, चल बाते राम की चली है भाई, बाते राम की चली है भाई, बाते रहीम की चली है भाई, बाते वेद की चली है भाई, बातें भेद की चली है भाई, बातें कुरान की चली है भाई, बातें पुराण की चली है भाई, राम कथा में डूबे हम भाई, राम कथा में डूबे हम भाई, राम लीला में डूबे हम भाई, राम कथा में डूबे हम भाई, राम लीला में डूबे हम भाई, चल चल चल, राम कथा में डूबे हम भाई, राम लीला में डूबे हम भाई, ये राम रहीम तो अपनी जगह पे, अरे राम रहीम तो अपनी जगह पे, रोजी रोटी कहाँ ढूंढे रे भाई, अरे बड़े झोलर बैठे है भाई, झोलर यू अंडरस्टैंड? नो, दिस इज बॉम्बे स्लैंग, झोलर, दिस झोल इज मराठी, ऊपर से इतना आता है, नीचे इतना भी नहीं आता है, बीच में जो झोल मारते हैं उसको झोलर बोलते हैं, दिस इज धारावी स्लैंग, झोलर, बड़े झोलर बैठे है भाई, ए बड़े झोलर बैठे है भाई, बड़े सेलर बैठे है भाई, बड़े झोलर बैठे है भाई, बड़े सेलर बैठे है भाई, चल चल चल, झोलर बैठे है भाई, बड़े सेलर बैठे है भाई, रा 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 रा। वे नेट पे बैठे है भाई, जीवो वे नेट पे बैठे है भाई, वे जेट पे बैठे है भाई, नेट पे बैठे है भाई, वे जेट पे बैठे है भाई, इंटरनेट पे बैठे है भाई, जंबो जेट पे बैठे है भाई, खाली पेट हम बैठे है भाई, खाली पेट हम बैठे है भाई, सूखे खेत पे बैठे है भाई, जली जिंदगी बैठे है भाई, सूखे खेत पे बैठे है भाई, जली जिंदगी बैठे है भाई, सूखे खेत पे बैठे है भाई, जली जिंदगी बैठे है भाई, वे साइबर के सेट है भाई, सबको फ्री जियो, वो डाटा दिया, आटा निकाल के लिया, वो डाटा लिया, और हमारे गौतम ने तो सुबह बताया कि दादा ये जो पूरा फ्री फ्री जो था ना, वो आपका सब डाटा बनाया और इलेक्शन में बहुत अच्छे तरह से इस्तेमाल किया है, ये फ्री देने के लिए क्या येड़े लोग है क्या, कोई कोई फ्री देता है क्या? अरे बच्चों को माँ भी रोने के बिना तो दूध नहीं पिलाती है, और वो तो अंबानी भिम्बानी वो लोग क्या देने वाले भाई, वो फ्री कुछ देंगे क्या? लेकिन हमारा देश का जो जनता है ना, वो बड़ा सादा भोला है, बहुत सिंपल लोग है यार, आप देहात में जाओ, बहुत सिंपल लोग है, भगवान को मानते हैं, वो जो शंभो महादेव है किसे भोला है ना, वो भोले है सब, उसकी पूजा करने वाले लोग है, बहुत सिंपल लोग है, कोई भी आके उल्लू बनाता है, उनको बोला फ्री, लाइन लगाया, पूरा अपना पूरा आइडेंटिटी दिया, डिजिटल आइडेंटिटी जो है ना वो दे दिया,
अरे भाई फिजिकल आइडेंटिटी अपना रह गया, डिजिटल आइडेंटिटी गया। उसका डाटा से आपको तो, आप तो सब इंजीनियर लोग है ना, आपको मालूम है जब डाटा मिलता है तो वो एक बहुत बड़ा एसेट होता है, वो कैपिटल है, और वो बेचा जाता है मार्केट में। अभी आप फेसबुक में है ना, सो यू आर नॉट फेसबुक यूजर्स, आपका कैपिटल बनाया है वो लोग और वो बेच रहे हैं, वो बेचा है, आपको नहीं मालूम पड़ रहा है आपका क्या, आपके साथ में क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। चल ए, चल नेट पे बैठे हैं भाई, वे जेट पे बैठे हैं भाई, वे नेट पे बैठे हैं भाई, वे जेट पे बैठे हैं भाई, इंटरनेट पे बैठे हैं भाई, जंबो जेट पे बैठे हैं भाई, खाली पेट हम बैठे हैं भाई, सूखे खेत पे बैठे हैं भाई, जली जिंदगी बैठे हैं भाई, सूखे खेत पे बैठे हैं भाई, जली जिंदगी बैठे हैं भाई, सूखे खेत पे बैठे हैं भाई, जली जिंदगी बैठे हैं भाई, वे साइबर के सेट है भाई, सर न्यू टाइप ऑफ कैपिटलिज्म अराइज्ड एंड यू पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। प्रीवियसली दिस कंट्री वॉज इंडस्ट्रियल सोसाइटी, सो इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट नाउ दिस इज अ साइबर सोसाइटी, साइबर सोसाइटी हैव डिजिटल आइडेंटिटी एंड देर इज अ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग। आई विल कम सर पांडे सर, यू कॉल मी सम टाइम, आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स बिकॉज आई एम जस्ट यू नो स्टडिंग सम न्यू थिंग्स। आई एम नॉट थिंकर, आई एम जस्ट सिंगर, आई एम जस्ट स्ट्रीट सिंगर, बट आई रीड ऑल फिलोसॉफी। द न्यू थिंग इज अराइजिंग इन ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन इज द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग इज गोइंग ऑन। अभी जो साइबर लोग होएंगे कुछ, और कुछ लोग फिजिकल रहेंगे, एक साइबर आइडेंटिटी होगा, डिजिटल आइडेंटिटी होगा, और एक फिजिकल आइडेंटिटी होगा। फिजिकल आइडेंटिटी वाले जो लोग हैं वो नीचे रह जाएंगे, और जिसका डिजिटल है वो आगे जाएंगे। वो हो रहा है, वो हो रहा है, और इसके लिए साइबर कैपिटलिज्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कैसे कि देश का कैपिटल होता था, अभी अभी यू जस्ट सी इकोनॉमिक्स, ये टिप ऑफ द फिंगर के टिप्स के अंदर इधर का कैपिटल उधर जाता है, उधर का कैपिटल इधर आता है, तो अभी कैपिटल बहुत उसका जो फॉर्म है वो बदली हो चुका है। इकोनॉमिक्स स्टूडेंट है जाके थोड़ा डिटेल में स्टडी करना। वही साइबर कैसे टे, चल साइबर के सेट है भाई, हम सत्संग में बैठे हैं भाई, साधु संतों के संग में भाई, आसाराम के रंग में भाई। सुबह सुबह टीवी खोलते हैं तो एक बाबा आता है, वो कहता है हवा ले लो हवा छोड़ो, हवा ले लो हवा छोड़ो, हवा ले लो। और मैंने पूछा बाबा जिसकी हवा पहले से गुल है वो क्या हवा लेगा, अरे पूरा देश पंक्चर है क्या हवा भरोगे। किसी को नहीं लगा था कि बाबा लोग इस देश के कैपिटल बन सकते हैं, कैपिटलिस्ट बन सकते हैं। पांच पांच मिनट में वो बाबा आ रहा है, ये दांत को लगाओ, ये कान को लगाओ, ये बाल को लगाओ, ये और किधर लगाओ, और वो भगवा कपड़ी पहन के। हिंदू धर्म का मैंने अच्छा स्टडी किया है क्योंकि मैं बॉर्न हिंदू हूँ, अभी जन्म किधर लेना मुझे पता नहीं, लेकिन काम क्या करना मुझे मालूम है। मेरा बाबा साहब भी बोले थे कि मैं हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में जन्म लिया हूँ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। वैसे मैं हिंदू धर्म में जन्मा लेकिन हिंदू धर्म में मरने वाला नहीं हूँ। लेकिन हिंदू का स्टडी है ये जो भगवी कपनी और ये सब जो चीज़ है ये विरक्ति के प्रतीक है, और ये लोग सब वापर के कैपिटलिस्ट बन रहे हैं। एक कोना नहीं देश का कि जहां वो फोटो नहीं लगी है। और वो ये दांत को कुछ लगाओ, कान को कुछ लगाओ, बाल को कुछ लगाओ, और वो खुद बोलते, मतलब क्या है कि सारे बाबा लोग जो है ये बार बार क्या बोलते हैं, ये सब दुनिया माया है, ये माया का खेल है, ये जो दिख रहे हैं ये माया है। ब्रह्मम सत्यम जगम मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जग मिथ्या है। अरे भाई जग मिथ्या है तो काय को कैपिटल ले रहा है, काय को इतना पैसा ले रहा है, वो दाढ़ी उसका पकता है उसको डाई मारता है, बाल को डाई करता है, इतना पैसा काय को। तो ये सब बातें जो बोलने की बातें हैं कि हमारे अंदर एक
बहुत पुरानी समझूत है, अंडरस्टैंडिंग है कि इस देश में जो सन्यासी लोग होते हैं उसके पीछे बहुत सारे लोग जाते हैं जिनका शादी नहीं हुआ है। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। जिनका शादी बिगड़ गया है, कपड़ा छोड़ दिया है, ऐसे लोगों के पीछे लोग जाते हैं। और वो जो कपड़ा छोड़ने वाला है ना, वो बहुत शाना होता है, बहुत शाना होता है। तो ये देश ऐसा बहुत भोले लोगों का देश है। या आसाराम बापू आपके गुजरात के हैं, और पहले मैं जाता ऐसा नाम लेता था ना कोई से पब्लिक से उठ के, बाबा के खिलाफ बात नहीं करना। और मैं भी बोलता था यार आसाराम बापू तो मैं पहचानता है ना, अभी मैं भी भगत है ना, अरे आई एम भगत, माई नेम इज भगत, संभाजी भगत। जो भगत है वो बाबा को पहचानता है, बाबा भगत को नहीं पहचानता है। तो मैं आसाराम बापू का नाम लेता था, लोग मेरे अंग के ऊपर आते थे, हमारे भगवान के बारे में बात नहीं करनी है, आय आय आय। तो मैं बोलता भाई शांत हो जाना, बच्चे है क्या? तो बोलते है। कितने है? तो बोले दो है। लड़की है क्या? बोले है। मैं बोला वो लड़के का छोड़ो, लड़की को संभाल के रखो। बाद में वही हुआ, अभी जेल में, मैं जिसका नाम लेते हैं वो जेल में जाता है। अभी आप लोग बोले कि किसका तो नाम लो, मैं किसका नाम नहीं लेने वाला है, लेकिन मेरे दिल में कुछ चीजें है वो आप जानते हैं। भगत के दिल में जो होता है वो होता है और होने वाला है। मेरे दिल में जो चीजें है वो होने वाली है, लेकिन वो अभी मैं बताने वाला नहीं हूं। आप अगर अंतर्यामी है तो आप समझ जाइए। आप अंतर्यामी है तो समझ जाइए। यासराम बापू यानी रुद्ध बापू, एक नंबर चिकित्से कापू, लेकिन ये पैसे का पाकेट नहीं मारते, ये भेजे का पाकेट मारते हैं। और सबसे खतरनाक होता है भेजे का पाकेट गुल हो जाना। एक बार भेजे का पाकेट गुल होता है तो इंसान के पास आंखें होती है लेकिन वो देख नहीं सकता है, जुबा होती है बोल नहीं सकता है, कान होते हैं सुन नहीं सकता है, वो एक जिंदे लाश की तरह घूमता फिरता है। यही मुर्दे लोग सुबह उठते हैं काम पे जाते हैं, ये मुर्दे एक दिन भर काम करते हैं, शाम को घर आते हैं, मुर्दे खाना खाते हैं, मुर्दे टीवी देखते हैं, और मुर्दों के साथ में मुर्दे सोते हैं, और मुर्दों की जनरेशन टू जनरेशन पैदा करते हैं ये मुर्दा। अभी देखो इंसान मरता कैसा है, साइंटिस्ट है आप लोग, आपको मालूम है आत्मा निकल जाती है बोलते, ठीक है जो भी होता होगा, लेकिन इंसान मरने के बाद में हम लोग जो बस्ती के लोग हैं इकट्ठा आते हैं और क्रियाक्रम बहुत जल्दी करते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा टाइम के लिए अगर मुर्दा रखेंगे तो टाइट हो जाता है। हम बहुत पहले मर चुके हैं, यू पीपल आर डेड पीपल, आई इंक्लूडिंग मी, वी आर डेड पीपल, लेकिन हमारा फ्यूनरल नहीं हुआ है। हम बहुत पहले मर चुके हैं लेकिन हमारा अंत्य संस्कार नहीं हुआ है। तो हम लोग इसके लिए हम लोग टाइट हो गए हैं, अकड़ गए हैं ऐसे। किसको किसको क्या क्या टाइट होता है देखो ऐसा, वो कौन बोलता है कि मेरे जात ऊपर की है? अभी कौन से जात ऊपर की, क्या मेरे को समझ में नहीं आता कैसे जात ऊपर की। हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं 96 कुड़ी 96 कुड़ी 96 बोलते हैं, तो मैं बोला चार किधर गया, तो वो पता नहीं है, वो 96 बोलते हैं, हम लोग 96 है, मतलब एकदम उच्चे। अभी उसको कौन से जात में जन्म लेना, इसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है क्या खुद का? होता है एक्सीडेंट, माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारा जन्म हो गया, उसमें क्या हो गया, तुम्हारा कुछ कंट्रीब्यूशन है? नहीं। तो भी बोलते हैं कोई किसी को धर्म का गर्व है, गर्व से कहो हम अमुक है, गर्व से कहो तुम तमुक है। किसी धर्म में जन्म लेना कोई गर्व की बात कुछ होती नहीं। किसके पास में पैसा है वो बोलता है मेरे पास में बहुत पैसा है, किसी के पास में ज्ञान है बोलता है मेरे के पास में ज्ञान है। अभी यहाँ इंटेलेक्चुअल आए होंगे उनको लगता होगा कि हमारे पास में ज्ञान है, लेकिन माफ करना मुझे, आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, लेकिन ज्ञान नाम की चीज अभी तक सीधे तरीके से आई नहीं है, पूरे तरीके से मालूम नहीं है। हम अज्ञान के एक्सचेंज करते हैं, ज्ञान एक बहुत अलग चीज है, ज्ञान मिट्टी में है, वो अभी तक हमने खोजा नहीं है। हम लोखंड
सोना चांदी सब खोजा है, लेकिन ज्ञान है, वो ज्ञान हजारों साल से मिट्टी के लोगों के अंदर है, वो ज्ञान हमारे पास में नहीं है। हम जो कह रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें अज्ञान का एक्सचेंज चल रहा है। इसलिए ज्ञान मतलब क्या है, इंसान का सही विकास करने के लिए जो ज्ञान निर्माण होता है और उसके ऊपर हम लोग अमल करते हैं तो इंसान आगे बढ़ता है, उसको ज्ञान बोलते हैं। ये डिजिटल युग में पत्थर से लोगों के सर नहीं तोड़ता है, तो ये जब तक है इस धरती पर तब तक ज्ञान नहीं है। ज्ञान का जन्म होने वाला है, प्यार का जन्म होने वाला है, वो अभी शुरू हो रहा है। और इसलिए ये जो लोग हैं कि बोलते कि हमारे पास में ज्ञान है, तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान की खोज करनी पड़ेगी। नया ज्ञान, नया आइडियोलॉजी, नया फिलोसफी। द क्राइसिस इज नॉट ओनली इकोनॉमिकल, क्राइसिस इज नॉट पॉलिटिकल, क्राइसिस इज नॉट इवन आइडियोलॉजिकल, क्राइसिस इज फिलोसॉफिकल माय डियर फ्रेंड्स। यू पीपल आर हियर टू अंडरस्टैंड दैट फिलोसॉफी। सी वी आर डाइंग एवरी डे, दे आर किलिंग अस एवरी डे, दे आर किलिंग दलित्स एवरी डे, दे आर रेपिंग वुमन्स। We are oppressed, that's why we are singing, we are saying something, but we don't have philosophy to break that thing. We have to create that thing, and you people are son of soil, you people are, you know, just consuming everything from that masses. So it is your duty, because you are in that area of knowledge, you have to create new philosophy, you have to study that thing. The farmers, the peasantry, the women's, the Dalits, the Adivasis are waiting for your understanding. See, we cannot theorize this thing. We cannot theorize this thing. You people can theorize. So this is my request. This is my humble request to you people. You are intellectuals. I am representative of these people. I am just requesting you that form a new ideology, new philosophy. That's why. Without that, we just cannot emancipate this world or this country. And that's why I'm singing. Chal! Hey! Internet pe baithe hai bhai, jet pe baithe hai bhai, internet pe baithe hai bhai, jumbo jet pe baithe hai bhai, khali pet hum baithe hai bhai, sukhe khet pe baithe hai bhai, jali jindagi baithe hai bhai, sukhe khet pe baithe भाई, जिंदगी बैठे भाई, सुख खेत पे बैठे भाई, तेरी जिंदगी बैठे भाई, भाई साइबर के सेट है भाई, हम सत्संग में बैठे हैं भाई, साधु संतों के संग में भाई, आसाराम के रंग में भाई, सत्य साई की भाषा में भाई, सतयुग की आशा में भाई, सत्य साई की भाषा में भाई, सतयुग की आशा में भाई, सत्य साई की भाषा में भाई, सतयुग की आशा में भाई, सिलिकॉन के वैली में भाई, सिलिकॉन के वैली में भाई, सियाराम का मार्केट है भाई, सिलिकॉन के वैली में भाई, सियाराम का मार्केट है भाई, वॉल स्ट्रीट पे बैठे हुए भाई, वॉल स्ट्रीट पे बैठे हुए भाई, वानर सेना हम बन गए भाई, वॉल स्ट्रीट पे बैठे हुए भाई, वानर सेना हम बन गए भाई, वॉल स्ट्रीट पे बैठे हुए भाई, वानर सेना हम बन गए भाई, ए अमेरिका से देते है झटका, ए अमेरिका से देते है झटका, अयोध्या में हमने खाया ये फटका, वे एक्टिंग करते हैं भाई, भाइयों बहनों मित्रों, वे एक्टिंग करते हैं भाई, वे एक्टिंग करते हैं भाई, हम फाइटिंग में मरते हैं भाई, वे एक्टिंग करते हैं भाई, हम फाइटिंग में मरते हैं भाई, वे एक्टिंग करते हैं भाई, हम फाइटिंग में मरते हैं भाई, रा 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 रा। वे सेटिंग करते हैं भाई, setting you understand, you people understand setting, you are young people, you are doing settings, so young bachche log to setting karte hain, mujhe bahut acha lagta hai, aise matlab mera khoon aisa hai ki valentine day mein koi ladka ladki ikattha aake ek dusre se pyar kar raha hai to main to aashirwad deta hai, bhagat hai main, allah aaj sukhi hone do, main patthar utha ke fekne wale wo race ka nahi hu, मुझे प्यार के ऊपर भरोसा है। दुनिया में अभी रोटी का जो बहुत सारा मसला है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन सबसे बड़ा मसला तो ये है कि इंसान को प्यार नहीं मिल रहा है, तो सबको प्यार मिलना चाहिए, तो वो सेटिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है।
अभी कल पूरे कैंपस में अगर सेटिंग शुरू हो गया तो पांडे सर मुझे नहीं कहना, आई एम सपोर्टर ऑफ दिस सेटिंग। लेकिन ये मत समझना कि बुड्ढे लोग सेटिंग नहीं करते, बुड्ढे भी सेटिंग करते हैं, लेकिन बुड्ढे लोगों का सेटिंग बहुत खतरनाक होता है। बुड्ढे लोगों का सेटिंग ऐसा है, पाकिस्तान में कुछ बुड्ढे बैठते हैं और भारत में कुछ बुड्ढे बैठते हैं और बॉर्डर पे वॉर चलाते हैं, ये सेटिंग सबसे खतरनाक है। ऐसे बुड्ढे लोगों के साथ में मत जाना। अरे ये दुनिया बोलते हैं, हमारे गांव के लोग बोलते हैं दुनिया ये भगवान ने बनाई, ठीक है भाई बनाई नहीं बनाई वो अलग चीज है, लेकिन बोलते बनाई, लेकिन अगर दुनिया बनाई है भगवान ने तो उसके ऊपर जो मैप्स है, इंडिया का मैप है, बांग्लादेश का मैप है, पाकिस्तान का है, श्रीलंका का है, ये भी भगवान ने बनाया क्या मैप? किसने बनाया मैप? ये मार्केट ने बनाए हुए मैप है, ये मार्केट ने बनाए हुए मैप है और ये मार्केट वाले लोगों का धंधा है। जो जानवरों को समझता है वो हमको नहीं समझता है। देखो पाकिस्तान के बाउंड्री के अंदर एक आध गाय वो घास खा रहा है, चर रहा है, और वो चरते चरते घास खाते खाते इंडिया के बाउंड्री में आ गया, और उधर एक दूसरा गाय है, वो गाय उधर खाना खा रहा है, वो घास खा रहा है, तो वो पूछते नहीं कि तुम्हारा धर्म कौन सा है, तुम्हारी जाति कौन सी है, तुम्हारा देश कौन सा है। लेकिन हम उधर का बच्चा इधर खेलते खेलते आ गया तो ठप करके उड़ा देते हैं। जो जानवर को समझता है वो हमको नहीं समझता है। किस लिए युद्ध कर रहे हैं, कौन सी कंट्री है, किसका कंट्री है, किसने ये मैप निकाले है? हमारे बच्चे मरते हैं क्योंकि मैं क्या देहात से हूँ, हमारे बच्चे में सातारा डिस्ट्रिक्ट का हो सबसे ज़्यादा मिलिट्री में लोग बच्चे हमारे हैं, उधर मिलिट्री का कुछ चालू हो जाता है, ये कुछ स्ट्राइक क्या सर्जिकल वो जान दो छोड़ो, लेकिन वो सच छूटा वो छोड़ो, लेकिन उधर कुछ चालू होता है तो हमारी औरतें इधर रोती है क्योंकि बच्चे हमारे मरते हैं और नाम उनका होता है। और वो जो भारत माता कह रहे ना, उनको मेरे को कभी कभी लगता है कि मिलिट्री का ड्रेस देना चाहिए, अच्छा टोपी जूता बीता सब देना चाहिए और बाउंड्री भी खड़ा करना चाहिए। ये सारे लोगों के बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं और किसान के बच्चे मर रहे हैं, पाकिस्तान के किसान के बच्चे और इधर के किसान के बच्चे उधर बॉर्डर पे मर रहे हैं। और देश और बाउंड्री ये मार्केट तय कर रहा है, मार्केट के हिसाब से किया है ये कुछ नहीं। हिस्ट्री आप पढ़ो, पूरा हिस्ट्री को पढ़ो, आपको यही मिलेगा। तो मुझे लगता है ये सेटिंग बहुत खतरनाक है। और लेकिन हमारे देश में ये सेटिंग जो होता है, अभी ईवीएम मशीन का बोलते हैं बहुत सेटिंग चल रहा है, अभी वो तो आप इंजीनियर लोग है, ऐसा कुछ है क्या वो ईवीएम मशीन का सेटिंग होता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, अभी इंजीनियर है मैं तो कुछ नहीं, मुझे आता नहीं कुछ। तो ये जो चल रहा है ये सेटिंग वो भी खतरनाक है। वे सेटिंग करते हैं भाई, क्या करते हैं? अरे मेरे से बात करो यार, आप लोग ऐसे बैठते ना और ऐसे चिंतन, ऐसा ऐसा मतलब क्या मालूम है क्या? तू शाना है क्या? मैं भी शाना है। और ये मतलब क्या मालूम है क्या? I don't have any connection with these people. What you are saying, I am not agree with you. और मैं बीच बीच में जो ऐसा करता हूँ, this is not my style. ये कभी कभी क्या होता है, जैसे दारू में लोग डूब जाते हैं ना, वैसे म्यूजिक में भी डूब जाते हैं। तो ये डुबाने वाला म्यूजिक नहीं है। जैसे डूब जाते हैं आप वैसे बोलते हैं, भाई डूबो मत यार, गाना सुनने के लिए बहुत है उधर, वो गजल वजल वो जुने पुराने गाने, चांद फिर निकला मगर तुम ना आए, जला फिर मेरा दिल, 12 महीने बिल। तो ये सब ठीक है, मतलब तो दिस म्यूजिक ये जो डूबे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए, इसके लिए बोलता है ये मेरा कुछ स्टाइल नहीं है, जागो भाई डूबो मत। वे सेटिंग करते हैं भाई, क्या करते हैं? आप सेटिंग मत करना। दूसरा सेटिंग करेगा तो चलेगा, लेकिन ऐसा सेटिंग मत करना, ऐसे सेटिंग के चक्कर में कभी नहीं जाना बच्चों। मैं भी अभी बुढ़ा होगा इसके लिए बच्चों बोला तुमको, बच्चों ऐसे सेटिंग में मत जाना भाई साहब, पैसा बहुत मिलेगा, लेकिन पैसा तो बहुत चोर कमाते हैं। अब चोर है क्या?
देखो आप जैसे लोगों को ही हायर करते हैं वो लोग, आपको ही हायर किया जाता है। अभी IIT है ना, इधर आएंगे आपको थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में वो आपको हायर करेंगे, आप जाओ काम करो, लेकिन ह्यूमैनिटी के लिए भी थोड़ा काम करो, इतना है बोलता है। सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए कुछ काम करो, अभी नौकरी मैं देने वाला नहीं हूँ। आप बोलेंगे इतना बड़ा बात कर रहे हैं, नौकरी थोड़ा ही देने वाला है तू हमको, तो मैं नौकरी नहीं देने वाला है, लेकिन इतना है कि भाई जाओ, लेकिन वो आपको हायर करेंगे और उनके धंधे के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये करो, काम करो, लेकिन थोड़ा ह्यूमैनिटी के लिए और थोड़ा हमारे गरीब लोगों के लिए थोड़ा एक दिल का कोना एक रखो हमारे लिए, बस उतना ही कहना है। इसलिए गाना गा रहे वे सेटिंग करते हैं भाई, क्या करते हैं वे सेटिंग करते हैं भाई, और हम वोटिंग करते हैं भाई, वे सेटिंग करते हैं भाई, हम वोटिंग करते हैं भाई, वे सेटिंग करते हैं भाई, हम वोटिंग करते हैं भाई, भजन भारत माता का भाई। अभी क्या इस देश को बनाना चाहते हैं लोग, इस देश को बनाना चाहते हैं, मैं भी बनाने वाला है, हमको भी लगता है, लेकिन हमारे बंबई में बनाना मतलब कैसा बनाया कैसा बनाया, तो वो बनाना चाहते हैं और हम बनाना चाहते हैं तो बोल रहे कि इस देश को बनाना है, तो भाई बनाओ, सब हुल दे दो, सब झूठ बोलो, हम सुनते रहते हैं। अभी इतने भी पागल नहीं बचे लोगों, इतने भी पागल लोग नहीं बचे, अभी झूठ समझता है। वो बोले थे कैसे दिन आने वाले हैं, कुछ आने वाले थे, अभी मैं भी वो दिन के राह देखते देखते बुढ़ा हो गया। पहले इंदिरा गांधी बोले थे, वो भी बोले थे अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, मेरा बाप मर गया, मेरा माँ मर गया, बड़ा भाई गया, छोटा भाई गया, और मैं जिंदा हो कब आ गया, कब आने वाला है, वो क्या कब आने वाला है, काहे का साल, वो तो हर बार बोलता है आने वाला है, और फिर किधर पंक्चर हो गया है, गाड़ी आने वाला है। चल चल भजन भारत माता का भाई, भजन भारत माता का भाई, पूजन भारत माता का भाई, बड़े जोर से चल रहा है भाई, भजन भारत माता का भाई, पूजन भारत माता का भाई, बड़े जोर से चल रहा है भाई, बड़े शोर से चल रहा है भाई, नारा देशी का चल रहा है भाई, नारा देशी का चल रहा है भाई, धंधा विदेशी चल रहा है भाई, नारा देशी का चल रहा है भाई, धंधा विदेशी चल रहा है भाई, नारा देशी का चल रहा है भाई, धंधा विदेशी चल रहा है भाई, खोल खोल के बैठे है भाई, खोल खोल के बैठे है भाई, मोल माता का लगा के भाई, खुले भाव से बेचा है भाई, खुले भाव से बेचा है भाई, भारत माता को बेचा है भाई, खुले भाव से बेचा है भाई, भारत माता को बेचा है भाई, खुले भाव से बेचा है भाई, भारत माता को बेचा है भाई, ए माता खड़ी है ओपन मार्केट में, माता खड़ी है ओपन मार्केट में, दिल्ली से दलाली चली है भाई, धंधा राष्ट्रवाद का रे भाई, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, धंधा राष्ट्रवाद का रे भाई, चंदा डॉलर में लेते हैं भाई, धंधा राष्ट्रवाद का रे भाई, चंदा डॉलर में लेते हैं भाई, धंधा राष्ट्रवाद का रे भाई, चंदा डॉलर में लेते हैं भाई, कैसे स्वयं सेवक है रे भाई, सेवक सेवक कैसे स्वयं सेवक है रे भाई, सेवा स्वयं की चली है भाई, कैसे स्वयं सेवक है रे भाई, सेवा स्वयं की चली है भाई, कैसे स्वयं सेवक है रे भाई, रथ राम का सजाया भाई, रथ राम का सजाया भाई, गेम देश का बजाया भाई, रथ राम का सजाया भाई, गेम देश का बजाया भाई, रथ राम का सजाया भाई, गेम देश का बजाया भाई, ये टिपर शूटर गेमर, अभी IIT से जो बच्चे निकलेंगे ना, ये सब के सब कुछ एक कंपनी में काम मत करना, कुछ लोग ये सोशल फील्ड में जाना, कुछ पॉलिटिक्स में जाना, आप लोग नहीं जाते, इसके लिए चोर लोग जाते हैं। अभी आपके माँ बाप बोलेंगे कि ये क्या पता रहे, आपको इंटरेस्ट है ना, आप सच में जाओ, क्योंकि आप नहीं जा रहे ना,
तो वो लोग चोर लोग जा रहे हैं, और चोर बोलेगा तो इतने चोर हैं, ये टिप्पर शूटर चल 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 बले बले बले। ये टिप्पर शूटर गेमर इतिहास इनका खोलो, ये इन सके कसाई खुलेआम सबको बोलो, दुनिया के हर कोने में खोले है कत्ल खाने, ये धर्म अलग लगते पर एक कारनामे, ये धर्म अलग लगते पर एक कारनामे, ये धर्म अलग लगते पर एक कारनामे। दिस इज नॉट क्वेश्चन ऑफ अ सिंगल रिलीजन, ऑल रिलीजन, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, अनऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, इफ दे हैव गॉट पावर दे विल यूज फॉर द मटेरियल गेन्स। द होल टर्मोइल अराउंड द वर्ल्ड इज गोइंग ऑन, that is not only because of this religion or that religion, the world turmoil is going on around oil, the conflict of culture and all these things, it is nothing, those who are intelligent people they can understand what these people are American imperialism are doing, it is nothing but a capturing of oil, they need oil, the question of oil is very very important. ये टिप्पर शूटर चल चल, ये टिप्पर शूटर गेमर इतिहास इन हा खोलो, ये इन सके कसाई खुलेआम सबको बोलो, दुनिया के हर कोने में खोले है कत्ल खाने, ये धर्म अलग लगते पर एक कारनामे, ये धर्म अलग लगते पर एक कारनामे, ये धर्म अलग लगते पर एक कारनामे। इन्हें धर्म से क्या मतलब, इन्हें धर्म से क्या मतलब, भक्ति से क्या है मतलब, भक्ति से क्या है मतलब, भगवान गद्दी इनकी इन्हें सत्ता से है मतलब, भगवान गद्दी इनकी इन्हें सत्ता से है मतलब, भगवान गद्दी इनकी इन्हें सत्ता से है मतलब। ए बच्चे बचाना, बस्ती बचाना, प्यारा भारत इनसे बचाना, इनसे नोट तो लेना रे भाई, ऐ बहुत नोटबंदी के बाद बहुत नोट है, इनसे नोट तो लेना रे भाई, पर इनको इनको वोट ना देना रे भाई, इनसे नोट तो लेना रे भाई पर वोट ना देना रे भाई, इनसे नोट तो लेना रे भाई पर वोट ना देना रे भाई, इनसे नोट तो लेना रे भाई पर वोट ना देना रे भाई, इनसे नोट तो लेना रे भाई पर वोट ना देना रे भाई, क्योंकि इनका जो कलर है ये दंगे लगवाने वाला कलर है, और इसलिए हमारे लोग पूछ रहे हैं कि घड़ी घड़ी दंगा हमारे पास में क्यों होता है, बड़े बड़े बस्तियों में है, अपने बस्तियों में क्यों नहीं होता है, बंबई में पेडा रोड में कभी दंगा नहीं होता है, धारावी में होता है, ये धारावी के लोग जो है वो पूछ रहे कि भाई दंगा हमारे उधर ही क्यों। क्या क्या बनने आए थे और क्या क्या बना बैठे हैं, कोई मंदिर बना बैठे हैं तो कोई मस्जिद बना बैठे हैं। अरे उस तो परिंदों की नस्ल अच्छी है, वो कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे हैं। घड़ी 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 लफड़ा काई कोरे, अरे लोचा काई कोरे, झोपड़े में झंझट झमेला काई कोरे, घड़ी 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 लफड़ा काई कोरे, अरे लोचा काई कोरे, झोपड़े में झंझट झमेला काई कोरे, काई का राइट काई का फाइट, काई का राइट काई का फाइट, भरम काई कोरे भेजा कर्म काई कोरे, चलाए जिंदगी लैसा धर्म काई कोरे, घड़ी 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 लफड़ा काई कोरे, अरे लोचा काई कोरे, झोपड़े में झंझट झमेला काई कोरे। ते
पुजारी पुकारते हैं मौला। खतरे में राम लल्ला, खतरे में यीशु अल्लाह। खतरे में राम लल्ला, खतरे में यीशु अल्लाह। खतरों की खबर इनको, भगवान से कनेक्शन है, अल्लाह से कनेक्शन है, लल्ला से कनेक्शन। खबरों की खबर इनको, देवों से बातें चलती, घंटिया मोबाइल की सब स्वर्ग में है बजती। ये ऐसे बातें करते जैसे रोज ऊपर जाते और रोज नीचे आते, रोज ऊपर जाते और रोज नीचे आते, रोज ऊपर जाते और रोज नीचे आते। सवाल नीचे चलते ये ऊपर करे बैटिंग, सत्संगी साइबरों से देवों से चले चाटिंग। सवाल धरती के है स्वर्गों की दवा देते, स्वर्गीय दवा खाके हम सीधे ऊपर जाते। देवों की जन्म कुंडली ये पढ़ने वाले पंडे, देवों की जन्म भूमि ठहराने वाले पंडे। ये पॉलिटिकल गुंडे, ये पॉलिटिकल गुंडे, ये संसदीय पंडे। इलेक्शन का ईश्वरों से पंगा काई कोरे, पंगा काई कोरे, झोपड़े में दंगा देश नंगा काई कोरे। घड़ी 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 लफड़ा काई कोरे, अरे लोचा काई कोरे, झोपड़े में झंझट झमेला काई कोरे। काई का राइट, काई का फाइट, काई का राइट, काई का फाइट, भरम काई कोरे, भेजा करम काई कोरे, चलाए जिंदगी ऐसा धर्म 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 काई कोरे। इसलिए हम एक प्रार्थना भी करने वाले हैं, और ये प्रार्थना है कि दुनिया के सारे जो लोग हैं, जो तरंग की पसंद लोग हैं, मतलब जो अमन पसंद लोग हैं, जो इंसान ये चाहते हैं, इनके लिए एक प्रार्थना हम कर रहे हैं कि ये सारे जो बिखरे हुए लोग हैं वो इकट्ठा आना चाहिए, जो शांतिप्रिय लोग हैं इकट्ठा आना चाहिए, नहीं तो ये शैतानों के हाथ में अलग अलग देशों का स्टेट जाएगा, तो इंसान दुनिया से बहुत जल्दी निकल जाएगा। इसलिए हम लोग एक प्रार्थना कर रहे हैं। एक्चुअली दिस इज अ, इसका जो स्पिरिट है वो बुद्धिस्ट है, और इसका जो लैंग्वेज है वो इस्लामिक है, और हम लोग सब लोग गा रहे हैं इसके लिए, मतलब ये अलग तरीके का गाना है, ये प्रवीण डोने जी है वो गाएंगे।
वेद कुरान न गीता रब्बा यार मिला दे रे मेरा बिछड़ा यार मिला दे रे ओ रब्बा यार मिला दे रे मेरा सोना यार मिला दे रे listening me our people now I'll handle over to this thing Kobragade Prashant Pratik whatever he's very nice guy from 8 days he is talking to me I'm very thankful to these students those who called me and my people over here and you shanti se aapne bahut suna mujhe mujhe bahut acha laga jagdish ji yahan rahe main unka bhi shukrguzar hu bhai sahab aap milenge pande sahab hamare dost hai अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर धन्यवाद